गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि सौरभ ने मुझे बहुत पहले से वैलेंटाइन का गिफ्ट दे दिया है। वैलेंटाइन में अभी बहुत देर है, लेकिन बहुत पहले से सौरभ कह रहा था कि तुम्हें बैग की ज़रूरत है, बैग खराब हो गया है, तो मैं ना इस बार तुम्हें वैलेंटाइन में बैग गिफ्ट करूंगा। तो कल तो हम लोग गए थे एक ड्रेस लेने। एक्चुअली वैलेंटाइन में पहनने के लिए मैं सोच रही थी कुछ ड्रेस ले लूँ। मेरे पास है एक गाउन जो मैं वैलेंटाइन वगैरह में पहनती हूँ, लेकिन वो मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, तो सोच रही थी कि इस साल कुछ नया ले लूँ, लेकिन कल तो कुछ मिला नहीं। और अगर मैं गाउन पहनूंगी तो शायद मैं फिर से वही गाउन पहन लूँगी वैलेंटाइन पे, क्योंकि वो मुझे मतलब उतना पहनना भी नहीं होता वो वाला, तो वही पहन लूँगी फिर से, या फिर साड़ी पहन लूँगी। लेकिन मैं आज फिर से बाहर जा रही हूँ, मुझे एक्चुअली कैनवस चाहिए। मैं बहुत पहले भी ब्लॉग में कह चुकी हूँ कि ये जो दीवार है ना, ये बहुत खाली खाली सा लगता है, तो मुझे यहाँ पे एक पेंटिंग लगाना है जो कि मैं खुद बनाऊँगी। एक्चुअली एक नहीं, दो लगाना है, दो पेंटिंग लगाऊंगी, या फिर एक बहुत बड़े कैनवस में एक ही पेंटिंग होगा, देखते हैं कौन सा मैं लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ कैनवस लाने। आज तो मैंने ठान लिया है चाहे कैसा भी हो, कोई भी प्राइस हो, मैं लेके आऊँगी, क्योंकि अभी बहुत देर हो गई है, मतलब एक साल हो गया है हम लोग इस फ्लैट में आए हैं और अभी तक मेरा हॉल कंप्लीट नहीं हुआ और ये बहुत सुना सुना लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ कैनवस लाने, लेकिन साथ ही साथ मैं फिर से थोड़ा ट्राई मारूंगी, अगर मुझे कोई ड्रेस मिल जाता है तो ड्रेस भी ले लूँगी। सबसे पहले मैं अभी आई हूँ करामा का डे टू डे में। ये बहुत बड़ा डे टू डे है, यहाँ पे मैं सबसे पहले कैनवस ढूंढूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ना क्लिप मिल गया जो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। यहाँ पे कितने सारे क्लिप्स हैं और जैसा मुझे चाहिए था वैसा मिल गया मुझे। यहाँ पे इतने सारे क्लिप्स एंड हेयर एक्सेसरीज़ हैं ना, देखिए यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ सामने भी है, इस साइड में भी है, यहाँ पे ये सारे हेयर एक्सेसरीज़ हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे भी। पर देखिए गाइस, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आपको ये ग्लिटर, कलर, ग्लू सब कुछ मिल जाएगा, सब है यहाँ पे। जब मैं स्कूल में थी शायद कोई मुझे ये दे देता, वाओ कितने खूबसूरत है ये सारे पेंस हैं। Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon.
स्वेटर्स कितने खूबसूरत है ना, बहुत खूबसूरत है। दो कलर में, दो नहीं तीन कलर में है, थोड़ा हल्का येलो पिंक एंड ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में। ये देखिए गाइस, ये जो प्लास्टिक के लूफा हम लोग यूज़ करते हैं ना, उससे अच्छा होता है ये वाला। ये ऑर्गेनिक है और इससे स्किन में कोई इरिटेशन वगैरह नहीं होता। डे टू डे है ना, बहुत बड़ा डे टू डे है। वहाँ पे गई थी और मैंने सोचा था कि वहाँ पे अगर मुझे अच्छा क्वालिटी का कैनवस नहीं मिलता तो मैं देहरा सिटी सेंटर चली जाऊँगी, लेकिन वो इतना बड़ा डे टू डे है, वहाँ पे घूमते घूमते ही मेरा पूरा टाइम खत्म हो गया। सौरभ की छुट्टी भी हो गई है और सौरभ भी आ गया है और अभी हम थोड़ा सड़क किनारे बैठे हैं। यहाँ पे बैठने के लिए ऐसा बनाया हुआ है तो ऐसे बैठ गए हैं और शावरमा ऑर्डर किया है। तुम खा रहे हो? दो ऑर्डर किया है, दो किया है। हाँ, तो अभी शॉर्मा खा के फिर घर जाएंगे। ये क्या नूडल्स के लिए बना रहे हो? आज सौरभ बना रहा है नूडल्स और इसके साथ एक स्पेशल आइटम बनने वाला है, ये चिकन ड्रमस्टिक। ये जस्ट नॉर्मल रोस्ट होगा, घी रोस्ट नहीं होगा। घी रोस्ट नहीं। ओके, तो ये मैरिनेट किया हुआ है और ये इसमें ये क्यों नहीं डाला मैरिनेशन में, ये वाला? ये बाद में। अच्छा, इसको अलग से फ्राई करोगे, यही अच्छा है। पता है वो मुझे ना, वो प्याज मैरिनेशन में डालने के बाद ना कैसा कैसे का जी सब वो आता है उसमें से, वो ठीक से पकता नहीं है ना। हाँ। प्याज को अलग से, वजह से ना मसाला कैसा अलग हो जाता है। हाँ, वो अच्छा नहीं बनता, प्याज को अलग से भून के बनाने पे ही वही अच्छा बनता है। देखो ये कितना फ्लफी फ्लफी हुआ है अंडा। आज तो मुझे सौरभ के हाथ का खाना नसीब होने वाला है रात को। आज मेरा कोई काम नहीं है, डिनर में बस यही नूडल्स और इससे ही हम लोगों का हो जाएगा। और हम लोग ना आते वक्त लुलू भी गए थे तो लुलू से थोड़ा सा चिकन लॉलीपॉप भी लाए हैं, पर पता नहीं वो खाएंगे या नहीं, हो सकता है कि उसको कल खाएं, बस वो पसंद आया तो लेके आए हैं। और गाइस पता है, आज जब मैं निकल रही थी ना तब मैंने कहा था कि मैं सोच रही हूँ कि शॉपिंग के लिए चली जाऊँगी, कैनवस लेने के बाद मैं थोड़ा और ट्राई करूँगी कि अगर मुझे कुछ ड्रेस वगैरह मिल जाए। लेकिन घर से निकलने के बाद ना मुझे याद आया कि कल ही तो मैंने वो वाला डे टू डे देखा था ADCB मेट्रो स्टेशन से, जो थोड़े सा पास है वहीं पे,
तो उस वाले में मैं थोड़ा देखती हूँ कैनवस, क्योंकि कल वहाँ पे हम लोग गए नहीं थे, तो मैंने सोचा वहाँ पे पहले ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि डे टू डे में जो कैनवस होता है ना वो सस्ता होता है, तो इसीलिए वहाँ पे चली गई और वहाँ पे ना मुझे कैनवस मिल गया। अब तक के दूसरे ब्रांचेस में भी मैंने देखा था, लेकिन इस साइज़ में मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे इस साइज़ में था मतलब इस साइज़ में चाहिए था, दूसरे जगह पे मुझे छोटा छोटा मिल रहा था। और इसी साइज़ में मैंने दूसरे एक शॉप में देखा था देहरा सिटी सेंटर में, मैं अभी बता ही देती हूँ कहाँ देखा था। देहरा सिटी सेंटर में मैंने देखा था, होम सेंटर में, तो उसका क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। ऑफ़र में वो 29 में मिल रहा था जब मैंने लास्ट टाइम देखा था, तो अभी तो मुझे पता नहीं ऑफ़र चल रहा है या नहीं। अगर रेगुलर प्राइस में खरीदूंगी तो एक एक का वहाँ पे 40 दिरहम करके था, और ये वाला मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिला, सिर्फ 11.99 मतलब वही 12 दिरहम। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि वहाँ पे अगर ऑफ़र भी चल रहा हो अभी तो भी मुझे ये वाला ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, मतलब एक के प्राइस वहाँ पे जो है उससे भी कम में मुझे दो मिल रहा है। और इसका क्वालिटी उसके जैसा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये ख़राब भी नहीं है, मेरा काम इससे चल जाएगा, तो मैंने वहीं से ये ले लिया। और उसके बाद ना मुझे लगा एक काम करती हूँ, मैं देहरा सिटी सेंटर थोड़ी देर बाद चली जाऊँगी, इसको थोड़ा सा घूम घूम के देखती हूँ। देखने लगी, ये देख रही हूँ, वो देख रही हूँ, ये देख रही हूँ, वो इतना बड़ा है, और वो देखते देखते कब टाइम ख़त्म हो गया, मेरा मतलब ध्यान ही नहीं रहा। और फिर सौरभ का कॉल आया कि अरे मेरी तो ऑफिस छुट्टी हो गई है, तुम अभी कहाँ हो? क्योंकि मैंने सौरभ से कहा था कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैंने कहा कि अरे मैं तो यहीं पे हूँ। तो सौरभ आ गया ऑफिस से, फिर दोनों घर आ गए, मेरा और देहरा सिटी सेंटर जाना नहीं हुआ और शॉपिंग भी नहीं हुआ। पर हाँ, जो मैंने बाथरूम मेकओवर शुरू किया था ना, ये छोटा वाला, उसको मैंने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। कुछ कुछ चीज़ें मैं लेके आई हूँ, उससे अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा मुझे खाली लग रहा था, वो अभी कंप्लीट हो गया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पे ये वाला जो दीवार था ना, ये मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे ये वाला फ्रेम ऐड किया है, और ये वाला शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहाँ पे ये रखा है, ये डिफ्यूज़र। और मैं आज ये भी लेके आई हूँ, ये टिश्यू बॉक्स, यहाँ पे ये ग्रीन कलर है ना, लाइट कलर, ये टाइल, तो ये थोड़ा डार्क ग्रीन में है, तो देखिए ये वाला जो है इसमें भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, तो एक सिमिलर टाइप का कलर है ना। अगर थोड़ा टोन अप डाउन हो ना, उससे भी कुछ नहीं होता, अगर कलर सेम होता है ना तो कलर क्लटर नहीं लगता। देखिए ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, तो बिल्कुल भी कलर क्लटर नहीं लग रहा है। लेकिन अगर ये दूसरे पर्पल या फिर रेड ऐसे कलर में होता तो यहाँ पे तुरंत कलर क्लटर हो जाता, अच्छा नहीं लगता। सो ये हमारे मास्टर शेफ जी क्या बना रहे हैं, देखो। ये तो इंडियन देसी स्टाइल में, मतलब कोने कोने में मसाला छोड़ना नहीं है सारा, बस हाँ। डालना है और बना के मस्त खाना है। पतीले में से एकदम हाथ से ऐसे निकाल लो, और उससे भी ना निकले ना तो चाट के निकाल लो, छी नहीं तो मसाला बर्बाद नहीं करना। That will be extreme. वो मतलब extreme level पे हो जाएगा। नहीं, लोग करते हैं ना, मसाला बर्तन में होता है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के घोल के निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते, इसमें पानी चला जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, इसमें पानी नहीं डाल सकते। मैं भी थोड़ा सा तुम्हें हेल्प कर रही हूँ प्याज फ्राई करने में। इतना बड़ा चम्मच लिया है ना, चम्मच भी नहीं है, फोक है। अरे इसी से हो जाएगा, अभी दूसरा क्यों गंदा करना, तुम इसी से तो अंडा बना रहे थे। अंडा बना नहीं रहा था मैं, उससे फेट रहे थे। अच्छा तो चलो ठीक है ना, तो उससे तुम वो बनाओ, मैं इससे ये बना दूंगी, मैं एक्सपर्ट हूँ ना, इसी से हो जाएगा। मैं मास्टर शेफ और ये हेड शेफ, हमारे घर में दोनों शेफ। हाँ। नहीं, मैं तो घर में कोकिला मोदी हूँ। हाँ। मेरे हाँ। मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, समझ गई गोपी बहू? समझी गई माँ जी। हाँ। और ये यमी यमी चिकन बन गया है, वाओ सौरभ ने क्या चिकन बनाया है, और ये नूडल्स भी सब तो बन चुका है। अभी नहीं खाना है क्या? मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो खा लेते हैं ना। हाँ अभी फटाफट खा लेते हैं।